अस्सलाम वालेकुम जी। आज की जो हमारी वीडियो है ये बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग बीकॉम पार्ट वन बीएसआईटी बीएससीएस एंड एससी थर्ड सेमेस्टर इन क्लासेस में यूज़ होने वाली जो बुक है उसमें चैप्टर आपका इसमें चैप्टर नंबर 8 है। उसका एक टॉपिक है, बेसिकली दो टॉपिक हैं, कैश बुक एंड बीआरएस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बीआरएस की तरफ बाद में जाएंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कैश बुक की। कैश बुक हम क्यों बनाते हैं कि हमारी डेली रूटीन में जो ट्रांजेक्शन कैश के ऊपर मुश्तमिल होती हैं उसका बैलेंस देखने के लिए कि क्या उसका बैलेंस फेवरेबल है, अनफेवरेबल है, डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। दूसरी चीज़, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ज़रा मिड है इसका, तो हम क्या करेंगे कि अपने इस क्वेश्चन का जो स्टार्ट है या इस सब्जेक्ट का जो स्टार्ट है वो मिड ऑफ द चैप्टर करेंगे। ट्रिपल कॉलम कैश बुक जिसको कहा जाता है, मैं इस बुक में से जो क्वेश्चन नंबर एग्जैक्ट है वो आपको फाइनलाइज बता देता हूँ, क्योंकि मेरे पास ज़रा उसकी जो कॉपी है उस कॉपी पे ये क्लियर नहीं है। जी क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें। नंबर 6 स्टार्ट करते हैं अपना कैश बुक वाला जो चैप्टर है, कैश बुक एंड बीआरएस, बीआरएस को बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट, मैं क्वेश्चन आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। आपके पास जो बुक है वो कौन सी होनी चाहिए, चौधरी आरफ और सुहेल अफजल की है, एडिशन इसका कोई भी हो सकता है। चैप्टर नंबर 8 है मेरे पास, पेज नंबर 243 एंड क्वेश्चन नंबर 6 है। इसकी जो सीक्वेंस है वो ऊपर नीचे हो सकता है। इसमें क्वेश्चन स्टार्ट होता है, कहते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर द ट्रिपल कॉलम कैश बुक। कहते हैं आपके पास फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन मौजूद है, आपने क्या करना है इसकी मदद से ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनानी है। तो आपके सामने कुछ ट्रांजेक्शन है, कहते हैं कैश इन हैंड ₹3,000 एंड एट बैंक 1,40,000। कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक कितना चाहिए आपका, 3,000 एंड 1,40,000। अच्छा, कैश एंड बैंक दोनों आपके एसेट होते हैं, एसेट में इजाफा हो या उसका ओपनिंग बैलेंस हो तो वो डेबिट साइड पे मेंशन किया जाता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आज की डेट के साथ December 1, 2005। आपके पास December 1, 2010 भी हो सकता है, तो डेट का कोई इतना खास इसमें इशू नहीं है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, December 1, 2005 बैलेंस BD। बैलेंस BD कितने के साथ है जी आपका, ओपनिंग बैलेंस 3,000 के साथ एंड 1,40,000 के साथ, 3,000 एंड 1,40,000। सॉरी टू से जरा ट्रिपल कॉलम कैश बुक का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको करवा देना चाहिए था। प्रीवियस क्वेश्चन में आपने पढ़ा हुआ है सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक एंड नाउ ट्रिपल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक के अंदर जस्ट हम कैश के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, डबल कॉलम कैश बुक के अंदर हम बैंक को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, एंड ट्रिपल कॉलम कैश बुक के अंदर हम डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव को भी इसमें रिकॉर्ड करते हैं। ट्रिपल कॉलम कैश बुक के अंदर इसका जो फॉर्मेट है जनरली वो ये है, सबसे पहले डेट का कॉलम पर्टिकुलर, बी एन अलग लेजर फोलियो, ई वोचर नंबर होता है, उसके बाद डिस्काउंट अलाउड का कॉलम यहाँ पे क्योंकि ये एक्सपेंस है डेबिट साइड पे, कैश बैंक, उसके बाद आ जाए दूसरी साइड पे भी अगेन डेट पर्टिकुलर, बी एन वोचर नंबर, लेजर फोलियो, डिस्काउंट रिसीव, कैश एंड बैंक, ये इसकी डेबिट साइड है जो आपके लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे इसकी डेबिट साइड पे जो इसकी राइट साइड है वो इसकी क्रेडिट साइड है। अब अपना क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, हमारा कैश का और बैंक का उसने ओपनिंग बैलेंस दे दिया कितने के साथ है, 3,000 के साथ और 1,40,000 के साथ। सेकंड दिसंबर को वो डेट इसमें बता रहे हैं, कहते हैं रिसीव फ्रॉम द रबीज ₹19,800, रबीज से आपने रिसीव किया जी 19,800 रिसीव, क्या जी कैश आ रहा आपके पास, सो कैश अकाउंट डेबिट एंड रमीज अकाउंट क्रेडिट। साथ ही उसने बोल दिया कि आपने डिस्काउंट अलाउड भी किया 200 के साथ, डिस्काउंट अलाउड क्या होता है आपका एक्सपेंस होता है। अब आपने एंट्री क्या पास की है, अच्छा ये क्वेश्चन करने के लिए आपको एंट्रीज के ऊपर भी ग्रिप होनी चाहिए। अगर तो किसी स्टूडेंट ने एंट्रीज वाला चैप्टर नहीं किया और डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आप एंट्रीज वाला चैप्टर देखें।
इसकी एंट्री पास होगी जी, सबसे पहले कैश अकाउंट डेबिट, उसके बाद जो आपका डिस्काउंट अलाउड है उसको करेंगे हम डेबिट, और पैसे किससे आ रहे हैं, रमेश से आ रहे हैं, तो रमेश को क्या कर देंगे सिंपल इसमें क्रेडिट कर देंगे। डेट आपकी सेकेंड है जी, सेकेंड दिसंबर 2005, फर्स्ट 01/05, रमीज अकाउंट, इसको आपने किया इस साइड पे लिखा, इसकी वजह से कैश आपका डेबिट हो रहा है कितने के साथ है, 19,800 के साथ, और डिस्काउंट अलाउड कितना कर रहे हैं जी आप उसको 200 के साथ। बैंक वाली साइड पे हम कुछ भी मेंशन नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो आपकी एंट्री आ रही है वो कहता है डिपॉजिट इन टू द बैंक ₹10,000, बैंक में आपने पैसे जमा करवाए हैं। स्टूडेंट ये थोड़ी सी टेक्निकल एंट्री है, इसकी एंट्री आप क्या पास करेंगे, बैंक आपका एसेट है, एसेट में इजाफा हो तो क्या करते हैं डेबिट करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, डिपॉजिट क्या करवा रहे हैं कैश करवा रहे हैं, तो कैश भी आपका एसेट है तो एसेट में कमी हो तो क्रेडिट करते हैं, तो एंट्री हम पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो याद रखिएगा कि जिस भी जनरल एंट्री के अंदर कैश एंड बैंक दोनों आ जाएँ, मतलब डेबिट या क्रेडिट हो रहे हैं, वो एंट्री आपकी काउंटर एंट्री होती है। काउंटर एंट्री ऐसी एंट्री जिसके इफेक्ट्स दोनों साइड पे रिकॉर्ड किए जाते हैं। देखें जैसे अभी हमने रमीज वाला इसमें अकाउंट लिखा है, इसका सिर्फ एक ही इफेक्ट हमने रिकॉर्ड किया इस साइड पे, यहाँ पे हमने कुछ नहीं लिखा, लेकिन ये वायद दो ऐसे एसेट्स हैं कैश एंड बैंक, अगर ये दोनों किसी एक एंट्री या ट्रांजेक्शन में आ जाए तो इसके इफेक्ट दोनों साइड पर रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो एंट्री हमारी क्या थी, बैंक अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं क्योंकि बैंक डेबिट हो रहा है, डेट क्या थी यहाँ पे सर, यहाँ पे डेट आ रही है 3 दिसंबर 2005, बैंक आपका डेबिट हो रहा है किसकी वजह से, कैश अकाउंट की वजह से, अमाउंट कितने के साथ है 10,000 के साथ, बैंक वाला कॉलम 10,000, और यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे और लेजर फॉलियो पे लिख देंगे सी, क्योंकि ये कॉन्ट्रा एंट्री है। अब पता चल गया कि हमने ये बारीक कॉलम क्यों बनाया था लेजर फॉलियो का, वो इसीलिए बनाया था। दूसरी साइड पे आते हैं कि यहाँ पे कैश आपका क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, बैंक की वजह से, डेट आपकी वही है जी 3/1/2005, कैश क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, बैंक अकाउंट की वजह से, अमाउंट कितने के साथ है जी 10,000 के साथ है, तो कैश वाले कॉलम पे जस्ट हम लिखेंगे यहाँ पे 10,000, बाकी सारे कॉलम में हमें कैश करना देंगे। उसके बाद नेक्स्ट वन इज द डेट 4 आपकी आ रही है जी, इसमें कहते हैं परचेज गुड्स फॉर ₹50,000 एंड पेड बाय चेक, आपने 50,000 की चीज़ें खरीदी हैं और पैसे अदा कैसे किए हैं जी, चेक के थ्रू किए हैं। ले जी चीज़ें कौन सी खरीदी हैं, कोई नाम बताया उसने, क्या फर्नीचर है, कोई मशीन है, कुछ और है, नथिंग। तो जब गुड्स का वो नाम दे दे तो इसकी एंट्री, तो फिर डेबिट आप करते हो परचेजेस को, क्या चीज़ें खरीद रहे हैं, गुड्स खरीद रहे हैं, तो डेबिट करना परचेजेस को। अगर कह दीजिए गुड्स सेल हो रही हैं तो फिर क्रेडिट करेंगे हम सेल्स को, तो यहाँ पे हमने एंट्री पास करनी है परचेजेस अकाउंट डेबिट एंड बाई चेक खरीद रहे हो ना, तो बैंक से पैसे कम हो रहे हैं आपके, तो आप क्रेडिट किसको करोगे, बैंक को, क्यों, क्योंकि बैंक आपका एसेट है, एसेट में कमी हो तो क्या करते हैं उसको क्रेडिट करते हैं। एंट्री हम पास करेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट। अब यहाँ पे बैंक आपका क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, परचेजेस की वजह से, हम क्रेडिट साइड पे आ जाते हैं, बैंक आपका क्रेडिट हो रहा है परचेजेस की वजह से, बैंक वाले कॉलम में आ जाते हैं जी, यहाँ पे वो बता रहा है 50,000, यहाँ पे 50,000, ठीक है, और इसकी डेट क्या आ रही है जी, डेट है जी इसमें 4 जनवरी 2005, 5 जनवरी को चलते हैं, वो कहते हैं जी सोल्ड गुड्स टू आमर ऑन क्रेडिट, आपने चीज़ें आमिर को सेल किया जी क्रेडिट के साथ, इसकी एंट्री क्या पास करेंगे जी, आमिर अकाउंट डेबिट एंड सेल्स अकाउंट क्रेडिट, इसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं, ना तो कैश डेबिट हो रहा है ना क्रेडिट हो रहा है, हम वो एंट्रीज करेंगे जिसमें कैश और बैंक इन्वॉल्व होगा या डिस्काउंट अलाउड या रिसीव आ जाएगा। उसके बाद सातवें नंबर पे आ जाएं, कहते हैं रिसीव फ्रॉम द आमिर चेक फॉर ₹14,000, सातवें नंबर वाली एंट्री है कि आमिर से आपने चेक रिसीव की है कितने के साथ, 14,000 के साथ, क्योंकि पांचवी एंट्री में आपने उसको 14,000 के साथ चीज़ें सेल की थी क्रेडिट पे, अब सातवें नंबर पे आपने क्या किया, पैसे रिसीव कर लिए, तो इसकी एंट्री अब क्या पास करेंगे, क्योंकि चेक रिसीव हो रहा है ना, तो चेक कहाँ पे जाता होता है, बैंक वाली साइड पे, तो इसकी एंट्री क्या पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, और किससे रिसीव हो रहा है, आमिर की वजह से, अभी इस एंट्री में बैंक आपका क्या हो रहा है जी, डेबिट हो रहा है, क्योंकि एसेट होता है, एसेट में इजाफा हो तो डेबिट करते हैं, किसकी वजह से हो रहा है सर, आमिर की वजह से हो रहा है, आमिर अकाउंट क्रेडिट, इसकी डेट क्या आई थी यहाँ पे 5 जनवरी 2005, ठीक है, और आमिर के साथ अमाउंट कितनी हमने लिखी है, सॉरी 7 जनवरी है जी, इसमें 5 की तो उसमें आपने चीज़ें सेल की थी, 14,000 के साथ आपके बैंक में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है,
बाकी आपने इसको डैश लगा देना, मतलब उसमें आपने कुछ भी नहीं देखना। 7 के बाद 8 जनवरी में कहते हैं सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 14,000। 8 जनवरी को आपने चीज़ें सेल की हैं कैश पे, इसकी एंट्री क्या पास करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट एंड सेल्स अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि कैश आपका एसेट होता है, एसेट में इजाफा हो तो क्या करते हैं उसको डेबिट करते हैं। कैश अकाउंट डेबिट, कैश डेबिट हो रहा है किसकी वजह से? सेल्स की वजह से। सेल्स की वजह से सर कैश डेबिट हो रहा है 8 जनवरी को 2005 को, ठीक है। और अमाउंट कितने के साथ है कैश कॉलम में? 14,000 के साथ। नहीं, बाकी जगह पे हमने डैश लगा दी। 9 जनवरी को आ जाए जी, कहता है जी पेड सलीम रुपीज 19,600 बाय चेक डिस्काउंट रिसीव। आपने सलीम को पैसे अदा कर दिए थे कितना? 19,600 के साथ, और डिस्काउंट आपको रिसीव कितना हुआ है? 400 के साथ। स्टूडेंट सबसे पहले ये है कि आप सलीम को पे कर रहे हैं। अच्छा, प्रीवियस किसी एंट्री में ना हम अगर देखें तो सलीम से हमने 20,000 की कोई ट्रांजेक्शन पास की होगी, लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं है। कुछ क्वेश्चन ऐसे ट्रांजेक्शन ऐसी होंगी जिनका रिलेट प्रीवियस ट्रांजेक्शन के साथ हो रहा होता है। खैर, अब सलीम जब हम अदा करते हैं बाय चेक, क्योंकि बैंक के थ्रू अदा हो तो उसकी एंट्री क्या पास करेंगे? सलीम अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि चेक के थ्रू हो रहा है और साथ साथ हमें डिस्काउंट रिसीव हो रहा है। डिस्काउंट रिसीव हमारा रेवेन्यू होता है, तो रेवेन्यू में इजाफा हो तो उसको क्या कर रहे होते हैं? हम क्रेडिट कर रहे होते हैं। एंट्री हम क्या पास करेंगे? सलीम को कर रहे हैं, सलीम अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट एंड डिस्काउंट रिसीव अकाउंट क्रेडिट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखेंगे कि डिस्काउंट रिसीव में हमने अमाउंट कितनी लिखनी है। तो सर डिस्काउंट रिसीव में आप अमाउंट लिखते हैं एंट्री नंबर 9,400 के साथ। 9 जनवरी डिस्काउंट रिसीव कितने के साथ? 400 के साथ। और आपने बैंक के थ्रू पैसे कितने अदा किए हैं? 19,600, और किसको दिए थे? सलीम को। ये दोनों क्यों क्रेडिट हुए? सलीम की वजह से, ठीक है। उसके बाद 10वें नंबर पे आ जाए जी, कहता है जी पेड सैलरीज रुपीज 2,000। आपने सैलरीज अदा की हैं, ठीक है, तो ये एक्सपेंस होता है किस्म का। शाबाश, बताया मुझे एंट्री क्या होती है इसकी सैलरीज की? सैलरीज अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट कितने के साथ है? 10,000 के साथ है। ले जी, अमाउंट कितने के साथ है? सॉरी नजर नहीं आ रहा, अमाउंट है जी आपकी 2,000 के साथ है। सैलरीज अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट। कैश क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से? सैलरीज की वजह से। सैलरी लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, कैश की जगह पे लिखेंगे 2,000, बाकी अकाउंट छोड़ देंगे। डेट उसकी कौन सी है जी? 10 जनवरी 10/01/05। सर्विस के बाद नेक्स्ट आपका क्या आ रहा है जी? इसमें कहते हैं पे टेलीफोन चार्जेस रुपीज 1,200। टेलीफोन चार्जेस भाई पेटीसीएल का खर्चा होता है, तो इसकी भी एंट्री क्या पास करेंगे आप? टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट। अब कैश अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से? टेलीफोन चार्जेस की वजह से, ठीक है। कितने के साथ है जी टेलीफोन चार्जेस? एंट्री नंबर 11 पे 1,200 के साथ। कैश अकाउंट में लिख देंगे 1,200, बाकी कॉलम को आप छोड़ देंगे। इसकी डेट आप डालें जी यहाँ पे 11। उसके बाद वो कहते हैं परचेज गुड्स फॉर द कैश रुपीज 8,000। आपने चीजें खरीदी हैं जी कैश पे। अब वंस अगेन कह रहा है गुड्स, नाम नहीं बताया चीजें कौन सी। अगर चीजें चीजों का नाम बताया होता तो मैं उस नाम से उसको डेबिट करता। तो अब मैं किसको डेबिट करूँ? परचेजेस को। परचेजेस अकाउंट डेबिट, कैश पे खरीद रहा हूँ ना, तो कैश अकाउंट क्रेडिट। डेट मेरे पास यहाँ पे आ रही है 13। कैश आपका क्रेडिट हो रहा है 1,300 13/01/05 किसकी वजह से? परचेजेस की वजह से। परचेजेस की वजह से अमाउंट कितने के साथ है कैश वाली साइड पे? 8,000 के साथ। उसके बाद कहता है 17 को पेड कैश टू जवेद रुपीज 3,700 एंड डिस्काउंट रिसीव 300। वंस अगेन जी एंट्री नंबर आपकी इसमें आ गई है 17 जैन। जावेद कैश उसको अदा कर रहे हैं ना, तो एंट्री पास करेंगे जावेद अकाउंट डेबिट, कैश क्रेडिट और डिस्काउंट रिसीव भी आपका क्रेडिट होगा, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस एंट्री एक आई थी हमारी, दोबारा रिवाइज हो गई है। 3,700 कैश की हमने दिया, रिसीव कितना हुआ डिस्काउंट आपका? 300 के साथ। डिस्काउंट आपका रिसीव हुआ जी यहाँ पे 300 के साथ, और 3,700 के साथ आपने जावेद को कैश अदा कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट जी एंट्री है आपकी 17 के बाद 19, कहता है विदड्रॉ फ्रॉम द बैंक फॉर द बिजनेस यूज 20,000।
withdraw from the bank for the business use. Business use के लिए पैसे आपने बैंक से निकलवाए हैं, 19 तारीख की बात कर रहे हैं, एंट्री क्या पास करोगे? कैश आ रहा है ना, कैश एसेट होता है, एसेट में इजाफा हो तो क्या करते हैं? डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक से निकलवा रहे हो, बैंक भी आपका एसेट, एसेट में कमी हो तो क्रेडिट करते हैं उसको. एंट्री क्या पास करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट. अब ये एक और एंट्री है, इसमें इफेक्ट है, कौन सा इफेक्ट है? कॉन्ट्रा एंट्री का, क्योंकि इसमें कैश भी आ रहा है और बैंक भी आ रहा है. तो जिस एंट्री में कैश एंड बैंक दोनों आ रहे हैं, चाहे वो डेबिट या क्रेडिट हो रहे हैं, तो उसको कॉन्ट्रा एंट्री करते हैं, कि यानी दोनों साइड पर उसका इफेक्ट रिकॉर्ड होता है. सबसे पहले कैश आपका डेबिट हो रहा है किसकी वजह से? बैंक की वजह से. डेट क्या है इसकी? डेट है जी सर आपकी इसकी 19 जनवरी इसकी डेट है. कहते हैं सर आपका कैश डेबिट हो रहा है बैंक की वजह से, ठीक है. 19 तारीख को कितने के साथ? 20,000 के साथ कैश आपका डेबिट हो रहा है, 20,000 के साथ. बैंक आपका क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से? कैश की वजह से. और ये मैं आगे जाने से पहले यहाँ पे सीन लिख देता हूँ. कॉन्ट्रा एंट्री यहाँ पे डेट डालेंगे 19/01/05, यहाँ पे हम लिखेंगे बैंक क्रेडिट हो रहा है, कैश की वजह से हो रहा है ना, तो यहाँ पे बैंक वाली साइड पे लिखेंगे कितना? 20,000 के साथ. हो गया जी. अब 19 के बाद अगली एंट्री कौन सी आ रही है? 21. कहते हैं परचेज गुड फॉर ₹14,000 एंड पेड बाई चेक. चीज़ें आपने खरीदी हैं जी 14,000 के साथ और पैसे चेक के थ्रू अदा किए हैं. पैसे चेक के थ्रू अदा किए मतलब बैंक से पैसे जा रहे हैं, तो आप इसकी एंट्री क्या पास करेंगे? परचेजेस, दोबारा आ गया जी, परचेजेस गुड्स, परचेजेस अकाउंट डेबिट एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट. अब आपका बैंक जो है वो क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से? परचेजेस की वजह से. 21/01/05 बैंक क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से? परचेजेस की वजह से, ठीक है. और इसकी अमाउंट कितनी है जी? 14,000 के साथ बैंक वाले कॉलम में लिखेंगे हम 14,000. उसके बाद वो कहते हैं 23 पे सोल्ड गुड्स फॉर ₹10,000 एंड रिसीव द अमाउंट इन कैश. चीज़ें आपने सेल की हैं जी और पैसे रिसीव किए कैश में, उधार नहीं हुआ इसका, तो एंट्री क्या पास करेंगे? कैश एसेट है, एसेट में इजाफा हो तो डेबिट करते हैं. कैश अकाउंट डेबिट एंड सेल्स अकाउंट क्रेडिट. 23 जैन कैश आपका डेबिट हो रहा है किसकी वजह से? सेल्स अकाउंट की वजह से, ठीक है. कितने के साथ है जी? 23 को 10,000 के साथ. कैश में 10,000 का क्या हो रहा है जी? इजाफा हो रहा है. बाकी जगह पे हम ऐसे इसको डैश लगा देंगे. उसके बाद 25 पे कहता है पेड रेंट बाय चेक. अब आप क्या कर रहे हो जी? रेंट अदा कर रहे हो बाय चेक, मतलब क्या? बैंक में कमी हो रही है. बैंक आपका क्या होता है? एसेट होता है. एसेट में कमी हो तो क्या करते हैं? उसको क्रेडिट करते हैं. डेबिट किसको कर रहे हैं? रेंट को. क्यों? क्योंकि रेंट आपका क्या है? एक्सपेंस है. 23 के बाद इसमें आ रहा है 25/05 रेंट अकाउंट, ठीक है. और कमी किसमें हो रही है? बैंक के अंदर कमी हो रही है. 25 को कितने के साथ? 1400 के साथ. उसके बाद वो कहता है 27 को रिसीव फ्रॉम आसिफ ₹11,800. आसिफ से 11,800 आपको रिसीव हुआ, तो रिसीव क्या हो रहा है? कैश हो रहा है. कैश आपका क्या होता है? एसेट. एसेट में इजाफा हो तो डेबिट करते हैं. साथ ही कहते हैं डिस्काउंट अलाउड 200 और आपने डिस्काउंट अलाउड भी उसको छूट दे दिया उसको 200, ठीक है. ये आपके लिए एक्सपेंस होता है. यहाँ पे मैं डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट वाले कॉलम पे लिखता हूँ 200 के साथ. कैश आपको रिसीव हो रहा है 19,800 के साथ. किसकी वजह से हो रहा है जी? सॉरी, कैश आ रहा है 11,800, सॉरी जी, 11,800 के साथ. किसकी वजह से हो रहा है? आसिफ की वजह से. ये एंट्री पास हमने की है आसिफ की वजह से, आसिफ अकाउंट. और ये डेट क्या थी आपकी? 27/01/05. उसके बाद 29 में कहते हैं डिपॉजिट कैश इन टू द बैंक. अब आपने कैश डिपॉजिट कहाँ करवाया जी? बैंक के अंदर. तो दोनों भाई आपके एसेट हैं. सबसे पहले बैंक आपका एसेट है, बैंक में पैसे जमा हो रहे हैं. एसेट में इजाफा हो तो डेबिट करते हैं. कैश भी आपका एसेट है. अब कैश में कमी हो रही है क्योंकि बैंक लेकर जा रहे हो, हाँ में तो है कोई नहीं, तो एसेट में कमी हो तो क्या करेंगे? क्रेडिट. एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट एंड कैश क्रेडिट. कॉन्ट्रा एंट्री आपकी, दोनों इफेक्ट लिखेंगे. यहाँ पे बैंक आपका डेबिट हो गया किसकी वजह से? कैश की वजह से. अमाउंट कितने के साथ है? 27 के बाद 29,600 के साथ. 29,005 बैंक के कॉलम में लिखेंगे 6,000, ठीक है. और दूसरी साइड पे आपके कैश में कमी हो रही है किसकी वजह से? बैंक की वजह से, ठीक है. कैश वाले कॉलम में लिखेंगे हम 6,000. बाकी जगह पे डैश. डेट आपकी क्या होगी? सेम होगी 29/01/05. अब उसके बाद 31 पेड फॉर द स्टेशनरी. स्टेशनरी के लिए आपने जनाब 300 अदा किया.
कैश ही अदा हुआ है ना, तो स्टेशनरी आपका एक्सपेंस होता है, जैसे ऑफिस में ये सारी चीज़ें जो होता है पेंशन कागज पेपर शेपर सारा स्टेशनरी होता है, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। अब कैश आपका क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, स्टेशनरी की वजह से, स्टेशनरी की वजह से 31st 01 05 कैश आपका क्रेडिट हो रहा है कितने के साथ, 300 के साथ, बाकी जगह पे हम उसको छोड़ देंगे, ठीक है। आई थिंक हमारी जो एंट्रीज है वो क्लोज हो गई है, मैक्सिमम जो हमने करना था। अब इसके टोटल की तरफ आते हैं कि हमारा बैलेंस सी डी और बैलेंस बी डी कितना है दोनों का, इसमें बैलेंस सी डी और बी डी कैश बुक एंड बैंक के कॉलम के थ्रू हम निकालेंगे, बाकी जो आपका है डिस्काउंट का इसका टोटल करके हम ऐसे ही लिख देंगे, जैसे डिस्काउंट अलाउड का टोटल कितना निकलता है यहाँ पे 400 के साथ, रेड मार्केट हमें दे दिया जी, रेड मार्केट से लिखते हैं टोटल इसके साथ, डिस्काउंट जो है 400 के साथ है और ये कितना आ रहा है आपका रिसीव 700 के साथ, ठीक है। अब आप जनाब ऐसा करें देखें क्या डेबिट साइड बड़ी है या क्रेडिट साइड बड़ी है, टोटल कर लेते हैं जी इसका कैलकुलेटर से, आपने क्या करना आपके लिए कैलकुलेटर होना जरूरी है, टोटल करेंगे इसका, ठीक है। हमारे पास आएगा यहाँ पे 92,600, दोनों साइड पे हम लिखेंगे 92,600, क्योंकि ये वाला कॉलम खड़ा है आपका 92,600। अब इस टोटल में से इस कॉलम को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा बैलेंस सी डी, आपके पास क्या आ जाएगा इसका बैलेंस सी डी, बैलेंस सी डी निकालेंगे जी हम अपने कैलकुलेटर से, हमारा निकल आएगा बैलेंस सी डी, मैंने जरा पहले निकाल के रखे हुए 61,400 के साथ 61,400। अब दूसरी साइड पे करते हैं जी टोटल, ये तो कैश वाले कॉलम का हमने कर लिया, अब बैंक वाले कॉलम का हम टोटल करेंगे कौन सी साइड बड़ी है, तो जनाब हमारी डेबिट साइड वंस अगेन बड़ी है, इसका टोटल आ रहा है 1,56,000 1,56,000 1,56,000 एंड 1,56,000। अब जनाब ये वाली साइड आप सारी माइनस कर दें, यहाँ पे आपका बैलेंस सी डी आ जाएगा, ये निकलता है आपका आंसर 51,000 के साथ, यहाँ पे एक आंसर आता है 51,000, ठीक है। और ठीक है अब क्वेश्चन क्लोज हो गया, आखिरी बस आपने क्या करना है, यहाँ पे एक साल का बैलेंस सी डी उसके लास्ट पे होता है, अगले साल के लिए वो बैलेंस बी डी बन जाता है, एक साल की वो बैलेंस सी डी होता है, अगले साल के लिए वो क्या बन जाता है बैलेंस बी डी, बैलेंस बी डी का मतलब होता है ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस बी डी इधर कुछ भी नहीं है, यहाँ पे हम लिखेंगे 61,400 और यहाँ पे हम लिखेंगे 51,000 के साथ, ठीक है। तो ये जी स्टूडेंट आपका यहाँ पे क्वेश्चन क्लोज हो रहा है जी, आप अगर कोई सवाल इसमें से पूछने वाला हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन पर क्लिक भी करें, ताकि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन अपलोड होता है तो आपको फोन ही उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हमसे मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।